नमस्कार, आपकी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। हमारी आज की खास पेशकश है थ्री इडियट क्लीन बोल्ड। ये शीर्षक हमारा नहीं बल्कि एसआरपी कल्लूरी के उस व्हाट्सएप पोस्ट का कैप्शन है जिसमें कल्लूरी के साथ हटाए गए सुकमा एसपी आईके एलेसेला और बस्तर एसपी आरएन दाश की तस्वीर भी है। इस पोस्ट के जरिए कल्लूरी ने सरकार को अपना संदेश दिया है। इधर एक बार फिर बस्तर संभाग में तबादला एक पॉलिटिकल मैसेज बनकर सामने आया है। पहले बस्तर आईजी एसआरपी कल्लूरी को हेडक्वार्टर में बिठाया गया और अब चार एसपी ट्रांसफर कर दिए गए। इनमें दो कल्लूरी के खास माने जाते हैं। तो क्या ये माने कि कल्लूरी और सरकार के बीच एक कोल्ड वॉर सा छिड़ा हुआ है? और क्या ये भी माने कि बस्तर में कल्लूरी राज के खात्मे के बाद जो उनके करीबी रह गए थे उन्हें तबादले के बहाने वहां से हटा दिया गया? सवाल ये भी कि कल्लूरी एंड पार्टी सरकार के इस उग्र तेवर के बाद अब आगे क्या करने वाली है? मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को खुली धमकी देने वाले सुकमा एसपी आईके एलेसेला की छुट्टी हो चुकी है। अब वो पुलिस मुख्यालय में एसपी एसआईबी का पद संभालेंगे। सुकमा एसपी के बयान को लेकर जिस तरह विधानसभा में गूंज उठी थी उसके बाद सीएम ने इस मामले में सख्त तेवर दिखाया। उन्होंने मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब कर न केवल पूरी रिपोर्ट मांगी बल्कि सुकमा एसपी की रवानगी का फरमान भी सुना दिया। लेकिन बस्तर पुलिस की सर्जरी का सिलसिला यही नहीं रुका बल्कि चार और जिलों के एसपी बदल दिए गए। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा बस्तर एसपी आरएन दाश और सुकमा के एसपी आईके एलेसेला के तबादले की है। जानकार ये भी कह रहे हैं कि इससे बस्तर के पुलिस तंत्र पर से कल्लूरी की पकड़ खत्म हो जाएगी। दरअसल हटाए गए दोनों एसपी एसआरपी कल्लूरी के नजदीकी माने जाते हैं। यहां तक कि बीते गुरुवार को जब पंडरीपान में आईके एलेसेला ने विवादित बयान दिया तब भी कल्लूरी और एसपी दाश वहां मौजूद थे। अपने दो प्रिय माताहतों का तबादला कल्लूरी को इस कदर नागवार गुजरा कि प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने एक व्हाट्सएप पोस्ट किया। इसमें एक तस्वीर है। उस तस्वीर में वो खुद दास और एलेसेला के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ एक कैप्शन भी है जिसमें कल्लूरी ने लिखा है थ्री इडियट। हालांकि इस पोस्ट के तुरंत बाद वो उस व्हाट्सएप ग्रुप से एग्जिट हो गए और तमाम दूसरे ग्रुप से भी वो हट गए। बस्तर से पुलिस अधिकारियों के तबादले और कल्लूरी के इस पोस्ट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अधिकारियों के तबादले के बारे में आम धारणा ये है कि इसके जरिए सरकार वहां से कल्लूरी के प्रभाव को पूरी तरह खत्म करना चाहती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पुलिस हेडक्वार्टर की राजनीति में जो अफसर एंटी कल्लूरी हैं, शायद वो नए बस्तर डीआईजी को फ्री हैंड करने के लिए एक एक कर कल्लूरी के सारे वफादारों को वहां से हटवा रहे हैं। एक बात तो तय है कि जिस तरह सुकमा एसपी को लेकर सीएम खुद मुखर हुए हैं वो इस बात का सूचक है कि सरकार बस्तर से कल्लूरी मॉडल को पूरी तरह ध्वस्त करने में लगी है, क्योंकि वो कतई ये नहीं चाहती कि कल्लूरी के बहाने विपक्ष बार बार उसे निशाने पर ले। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो किसी भी राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों के पुलिस अधिकारियों के तबादले होना एक रूटीन प्रक्रिया होती है, लेकिन बस्तर में जिस तरह से ये तबादले हुए हैं और इससे पहले कल्लूरी का तबादला किया गया, इस तबादले के पीछे जाहिर तौर पर एक पॉलिटिकल मैसेज छिपा हुआ है। तबादला हुआ उसके तुरंत बाद एसआरपी कल्लूरी की तरफ से व्हाट्सएप पर एक फोटो आया। ये फोटो आप देख रहे हैं और इस पर लिखा था थ्री इडियट क्लीन बोल्ड। क्या मैसेज कल्लूरी की तरफ से देने की कोशिश की गई है और ये जो तबादले हुए हैं इस तबादले के पीछे जो पॉलिटिकल मैसेज सरकार देना चाहती है वो क्या है, इसी पर जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ तबादला नहीं है, इसके पीछे भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। कल्लूरी का ये पोस्ट सिर्फ एक मामूली पोस्ट नहीं है, इस पोस्ट के पीछे भी कुछ मैसेज छिपे हुए हैं। इन्हीं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। आपको तारुफ करा दूं, हमारे साथ मौजूद हैं रायपुर स्टूडियो से आरपी सिंह जो कि कांग्रेस नेता है, वहीं जगदलपुर से हमारे साथ में शेष नारायण तिवारी जी जुड़ रहे हैं जो बीजेपी नेता है, और साथ ही मनीष गुप्ता जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले कि ये जो तबादला हुआ है ये तबादले के पीछे एक पॉलिटिकल मैसेज तो जाहिर तौर पर छिपा हुआ है। सुकमा के एसपी आईके एलेसेला ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो खुली धमकी दी थी उसके बाद उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होना समझ में आ रहा था, लाजमी था, लेकिन बस्तर एसपी आरएन दास का भी तबादला कर दिया गया। क्या कोई मैसेज सरकार देने की कोशिश यहां से कर रही थी, चूंकि दोनों के दोनों एसआरपी कल्लूरी के करीबी माने जाते हैं?
जी बिल्कुल, ये जो सरकार की ये कार्रवाई हुई है ये निश्चित रूप से एक संदेश देने की प्रक्रिया है, लेकिन जहां तक एसआरपी कल्लूरी का मामला है, मैं बता देना चाहूंगा कल्लूरी राज्य के उन अधिकारियों में शुमार हैं जो कि सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करते हैं। पिछली बार भी जब उनको लंबी छुट्टी पर भेजा गया था, बेला भाटिया का कांड हुआ था, उस समय भी उन्होंने एक ट्वीट करके अपना संदेश सरकार तक भेजा था जिस पर उन्होंने लिखा था बेला भाटिया विंस। इस संदेश के बाद जो है काफी तीखी प्रतिक्रिया हुई थी सरकार में, और वापसी में उन्होंने जवाबी तौर पर अपने चिकित्सा जो उनको रिपोर्ट दी गई थी जिसके आधार पर उनको लंबी छुट्टी पे भेजा गया था, वो वापस आकर के सरकार पर हमलावर हुए और उन्होंने कहा कि चिकित्सकों के द्वारा मुझे ये बोला गया है कि मुझे लंबी छुट्टी की आवश्यकता नहीं है, तो फिर उनको यहां से अन्यंत्र स्थानांतरित किया गया। कुल मिलाकर के ये है कि कल्लूरी जब भी यहां पर बस्तर में रहे हैं वो हमेशा विवादों के साथ रहे हैं, विवादों के साथ उनका खेलना उनका शगल रहा है। पिछली बार भी जब डीआईजी के रूप में वो पोस्टेड थे तब भी उनका बस्तर दंतेवाड़ा के तत्कालीन कलेक्टर संभागायुक्त श्रीनिवासुलु और जो कल्लूरी के बीच में एक विवाद की स्थिति बनी थी जिसके बाद जो है उनको दंतेवाड़ा से डीआईजी के रूप में शिफ्ट किया गया था। इस बार भी कमोबेश जो है वही परिस्थितियां हैं। इस बार बेला भाटिया सामने रही हैं और कलेक्टर की रिपोर्ट पर शासन ने उनको यहां से हटा दिया जी। उसके अलावा मनीष जी, जैसे कि आप बता रहे हैं, क्या ये माना जाए कि चूंकि पिछले लगातार कुछ समय से एसआरपी कल्लूरी जब वहां पर आईजी के रूप में पदस्थ थे, विवाद लगातार उनके साथ में जुड़ते जा रहे थे और सरकार के दामन पर कहीं ना कहीं दाग लगते जा रहे थे, क्या ये माना जाए कि जिस तरह से अब ये दो जो एसपी हैं जो माना जाता है कि उनके करीबी थे, उनको हटाने के बाद सुकमा एसपी को हटवाने के लिए, चूंकि सुकमा का जो एसपी का जो मामला था वो विधानसभा में भी उठा था, तो खुद सीएम ने आगे आकर डीजीपी से बातचीत की, सीएम खुद आए और उन्हें आगे हटवाने के लिए, क्या ये माना जाए कि कल्लूरी और उनसे जुड़े लोगों की वजह से जो एक के बाद एक विवाद हो रहे थे, सरकार को डर सता रहा था, क्या इसकी वजह से भी ये कार्रवाई हुई है? हाँ बिल्कुल, इसको इस नजरिए से भी देखा जा सकता है। दरअसल जब कल्लूरी थे तब उनको सरकार ने फ्री हैंड दिया हुआ था और बस्तर संभाग के जो सातों पुलिस अधीक्षक थे वो उनकी पसंद के तैनात किए गए थे, उनके साथ में उनका कोऑर्डिनेशन भी काफी अच्छा था। बार बार जब कल्लूरी और इन एसपीओं के बीच में लगातार पार्टियां होती थी, लगातार इन्होंने एक टीम बना करके टीम के रूप में काम किया, एक सदस्य के रूप में काम किया, जिसके चलते जो है ना बस्तर में नक्सलवाद को लेकर के एक सकारात्मक जो रिजल्ट जो है ना वो दिखाई दिया। लेकिन जैसे जैसे ये कार्रवाइयां बढ़ती गई और सफलता मिलती गई, मैसेज बहुत क्लियर गया, तो सरकार, चूंकि नक्सलवाद के मामले में सरकार का रुख बहुत स्पष्ट नहीं है, सरकार नक्सलवाद के खिलाफ जो है अब तक अधिकारियों के भरोसे ही रही है, सरकार की कोई बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं रही है, और यही कारण है कि जब अधिकारियों को फ्री हैंड देकर के तैनात किया जाता है, सफलता मिलती है तो अधिकारी उसे अपनी व्यक्तिगत मैं इसी से संबंधित सवाल आगे करता हूं। शेष नारायण जी बने हुए हमारे साथ में। शेष नारायण जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कल तक जो नक्सलवाद के प्रति जो खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसके अगुवा थे, उसके स्टार चेहरे थे, यूं कहें कि चूंकि हीरो के रूप में जिस कल्लूरी को लगातार प्रसारित किया जा रहा था, अचानक इस तरह की क्या हालात हो गए कि उनके साथ साथ जो उनके करीबी पुलिसकर्मी थे उनके सबसे पिंड छुड़ाने के लिए सरकार जो है लगातार काम कर रही है, क्या चीज है इसके पीछे? देखिए, वास्तव में कल्लूरी साहब यहां पे जब थे निश्चित रूप से वो नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान उन्होंने चलाया बहुत ही सफलतम चलाया, किंतु उनका जो तबादला है एक रूटीन कार्य है, ये शासन का अपना लुकआउट होता है कि किस अधिकारी को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, और तबादला जो है ये एक रूटीन प्रक्रिया में होती है। और जो अभी दो अधिकारियों का भी जो तबादला हुआ जी, उसमें एक सुकमा के एसपी ने जो बयान दिया वो वास्तव में विवादास्पद तो है, लेकिन ये जो तबादले होते हैं ये सारे तबादलों के पीछे कोई ऐसा कारण नहीं है कि किसी अधिकारी का या किसी उसका किसी अहम को उसको ठेस पहुंचाने का कोई कार्य हो। शासन हमेशा जो भी कार्य करती है जनता के प्रति जो जवाबदेह होना चाहिए उसके अनुसार कार्य करती है।
एसआरपी कल्लूरी के नेतृत्व में दो साल तक यहाँ पे नक्सलवाद के खिलाफ काफी अच्छा कार्रवाई हुई, बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हुई और शासन को ऐसा लगा कि अभी फिलहाल उनके स्थान पर दूसरे अधिकारी को भेज के यहाँ पर नक्सल अभियान को और भी तो क्या जो कल्लूरी मॉडल था चलाया जा सकता है, की तारीफ चल भी रहा है। सरकार अलग अलग मंच के जरिए खुद तारीफ करती थी, क्या उस कल्लूरी मॉडल से सरकार पीछे हट रही है? नहीं नहीं, ऐसा कहीं ऐसा लगता नहीं है कहीं भी सरकार किसी प्रकार से जो कल्लूरी मॉडल है, कल्लूरी उनके मॉडल की विशेषता जो थी सिर्फ जनता को अपने समर्थन में लेना, बाकी जो पुलिस की जो ग्राउंड में जो कार्रवाई है उसमें किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं। इस प्रकार से जो कल्लूरी जो यहाँ पे रहे वो इस नक्सलवाद के खिलाफ जो मुहिम है उसमें जनता को भी जोड़ा गया, एक जन समर्थन को लेकर वो आगे बढ़े और मुझको ऐसा लगता है कि वो तो कार्रवाई अभी भी चल रही है। वर्तमान में जो यहाँ पे आईजी है, अच्छा काम कर रहे थे आप लगातार कह रहे हैं कि ये तो मैंने आपको पहले बताया जुड़ रहे थे, तो हटाया क्यों गया? नहीं, ये हटाने का प्रक्रिया, तबादले की प्रक्रिया, ये तो शासन का है। शासन कभी भी किसी अधिकारी को हटा सकता है, ये कोई आवश्यक नहीं है कि कोई अधिकारी वहाँ पे स्थायी रूप से कहीं पे पदस्थ हो रहा है। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई इसमें किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह उठाने का प्रश्न नहीं पैदा। किस तरह से देखते हैं कांग्रेस पार्टी का नजरिया इस पूरे मसले पर, किस तरह का है कि दो जो है एसपी का तबादला कर देगा? कुल मिला के चार है लेकिन हम दो का यहाँ पर बार बार जिक्र कर रहे हैं, चूंकि एसपी सुकमा और एसपी बस्तर का जिक्र करना बेहद जरूरी है जो कि दोनों एसआरपी कल्लूरी के करीबी थे। फिर कल्लूरी का इस तरह का पोस्ट करना किस तरह से कांग्रेस से लेती है? देखिये हितेश जी, ऐसे विवादित अधिकारी जो अपने आप को इस देश के कानून और भारत के संविधान से ऊपर समझते थे उनको हटाने के लिए हमने सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ी और नतीजा ये हुआ कि कल विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की कि मैंने आज डीजीपी और सीएस को बुलाकर ये साफ साफ समझा दिया है कि ऐसे अधिकारी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे क्योंकि अंत में जवाब यहां खड़े होकर मुझे देना पड़ता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा सदन में उसको शाम को 7:45 पर उन्होंने करके दिखाया। इस पूरी लड़ाई में बस्तर के आदिवासी, वहां के पत्रकार, वहां के सामाजिक कार्यकर्ता, वहां के मानवाधिकारकर्ता हमारे साथ थे, हम सबको धन्यवाद देते हैं ताकि ये लड़ाई हम सामूहिक रूप से लड़े और जीत सके। अब ये जो एक रात को उनकी टिप्पणी आई है कि 3 idiots clean board, इसके तीन मतलब होते हैं साहब। एक मतलब बड़ा स्पष्ट है कि राज्य सरकार एक परिपत्र जारी करता है और कहता है कि वरिष्ठ अधिकारी सुचिता का ध्यान रखें, जब सोशल मीडिया में जाएं तो सुचिता का ध्यान रखें। ये एक व्हाट्सएप पे की गई टिप्पणी ये बताने के लिए पर्याप्त है कि राज्य सरकार से हम ऊपर हैं, यह राज्य सरकार के परिपत्र की है, हमें कोई चिंता या परवाह नहीं है। दूसरी, आमिर खान के फिल्म यदि आपने देखी होगी तो 3 idiots क्या बताती है, वो पिक्चर ये बताती है कि तीन लोग हैं जो बहुत जीनियस हैं लेकिन जमाना और समाज और उस कॉलेज का प्रोफेसर उन्हें होशियार और जीनियस नहीं मानते हैं। यानी ये तंज है इस सरकार के ऊपर कि हम तीन जो है सबसे बेहतरीन है और ये सरकार बेवकूफ है जो हमारे जीनेस पला को समझ नहीं पा रही है। और तीसरा मतलब एक और भी होता है कि शायद वहां रह के उनसे जो गुनाह हुए, उनसे जो गलतियां हुई, उसका पछतावा हो रहा हो, इसलिए अपने आप को डेट मान रहे हो। बेहतर तो सीएम साहब बताएंगे, बताएंगे। इन तीन तर्कों के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस ये तीन तर्क दे रही है, फिर तीन इस मतलब निकाल रही है इस 3 idiots के मैसेज के पीछे, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ये जो सोशल मीडिया में जो आया है इसके संबंध में जो कांग्रेस तर्क दे रही है कि जो सरकार ने हटाया मानवाधिकारवादियों के दबाव से, विपक्ष के दबाव से और तमाम जनता के दबाव से, वास्तव में ऐसा नहीं है। सरकार ये नारायण जी, मैं विधानसभा में था, विधानसभा में थे क्या? मैं विधानसभा में था जब माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात की घोषणा कर रहे थे, मैं दक्षिण दरगाह में मौजूद था, उनके भाषण को सुन रहा था। मंत्री ने आप अपने को कहा, आप अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, कहा क्या मैंने? आप उस पार्टी में है भी कि नहीं है? आप सीएम के खिलाफ बोल रहे हैं अपने? अरे आपने कुछ नहीं नहीं नहीं, आपने कुछ देखा नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा क्या कि हमने किसी दबाव में किया है? मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है, ऐसी बात सदन में खड़े होकर मुझे जवाब देना पड़ता है इसलिए। अरे आप उनका स्पीच निकलवा लीजिए विधानसभा से, जो मैं कह रहा हूँ तो सुन लीजिए आप। ऐसा नहीं है, आप बस्तर में बैठ के बात करेंगे, मैं हाउस के अंदर था, मुख्यमंत्री जी का स्पीच आप निकलवा के सुन लीजिए। उन्होंने कहा यहाँ खड़े होकर मुझे जवाब देना पड़ता है इसलिए मैंने डीजी और सीएस को बुला के स्पष्ट कहा है ऐसे विवादित अधिकारियों पर कंट्रोल किया जाए। मुख्यमंत्री ने कब कहा? अरे सिंह साहब सुनिए बात, अरे कल सदन में कहा है, मेरे को बोलने दीजिए, आपकी बारी आएगी तो आप बोलिए ना। एक, अरे आप एक मिनट शांत रहिए, मुझको बोलने दीजिए, बोलिए। बिल्कुल
यहाँ पे भी बवाल कर रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए। मुख्यमंत्री ने कहीं पर भी किसी भी मंच पे, चाहे विधानसभा हो चाहे कहीं पे भी इस बात को नहीं कहा है कि विपक्ष के दबाव पे हम अधिकारियों को हटा रहे हैं। ठीक, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, ये बात आप कहीं दिखा नहीं सकते। ठीक है, आप मैं और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, जो ये मानवाधिकारवादी की बात कर रहे हैं आप, यहाँ पे कोई भी, कल ही सुकमा में दो जवान हमारे शहीद हुए हैं, कहाँ गए वो मानवाधिकारवादी जो कि एक नक्सली के मारे जाने से चिल्लाते थे? सुकमा नहीं, बीजापुर में शहीद हुए, जानकारी दुरुस्त कीजिए, बीजापुर में शहीद हुए, इसको क्यों नहीं, जानकारी ठीक कीजिए, बीजापुर में शहीद हुए। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है मनीष जी, मैं आपके पास में आऊंगा, मैं चूंकि ये यहाँ जो चर्चा निकली है, एसआरपी कल्लूरी ने जो ये मैसेज दिया है, ये मैसेज क्या कहता है, छत्तीसगढ़ पुलिस के भीतर क्या इंटरनल राजनीति हावी है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और कल्लूरी चूंकि अब वहां से, चूंकि जैसा कि माना जा रहा है कि कल्लूरी का कनेक्शन पूरी तरह से बस्तर से हट गया है, तो क्या इसके बाद अब किस तरह का रिएक्शन हो सकता है, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल लौटते हैं। के बाद स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश थ्री इडियट्स क्लीन बोर्ड लगातार जारी है। थ्री इडियट्स दरअसल एसआरपी कल्लूरी साहब की तरफ से व्हाट्सएप पर एक फोटो लगाया गया और पोस्ट किया गया उनके साथ में, इसमें दो एसपी भी मौजूद थे, सुकमा के एसपी आईके एलेसेला और बस्तर के एसपी आरिंदास सिंका का, जिनका दोनों का तबादला वहां से कर दिया गया है। क्या मैसेज देने की कोशिश उनकी तरफ से थी और जो तबादला हुआ उस पर क्या मैसेज सरकार ने दिया है, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हम लगातार चर्चा कर रहे थे मनीष जी, ब्रेक में जाने से पहले आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से एसआरपी कल्लूरी ने यह व्हाट्सएप पर जो मैसेज दिया है, इस मैसेज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की प्रतिक्रिया है कि जो दो एसपी उनके करीबी थे उनके साथ में उनका खुद का फोटो डालना, उस पर थ्री इडियट्स लिखना और उसके बाद जो क्लीन बोर्ड लिखना, किस तरह का मैसेज और ये पूरे जो घटनाक्रम है इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, कल्लूरी जी ने जो ये अपना एक जो फोटो डाला है उस पर वो बहुत क्लियर कट एक मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार नक्सल मामलों पर बहुत गंभीर नहीं है और नक्सल मोर्चे पर अधूरा छोड़ करके इस प्रकार से अधिकारियों को डिस्टर्ब करना नक्सल ऑपरेशन को लेकर के सरकार की गंभीरता प्रकट करता है। रही बात ये अभी जो इसके पूर्व में जो चर्चा हो रही थी, दरअसल परसों की जो घटना है ये एक निजी समारोह था जिसमें ये सारी भाषणबाजी हुई है और जब ये कल अखबारों की सुर्खियां बनी तब ये मामला विधानसभा में भी उठा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको लेकर के जांच का आदेश दिया। बस्तर कलेक्टर अमित कटारिया ने इसकी जांच की है और अमित कटारिया जी की रिपोर्ट के बाद जो है जब इस मामले का तबादला हुआ है। आमतौर पर ये एक बात बहुत स्पष्ट है कि नक्सल मामले को लेकर के कांग्रेस भाजपा दोनों कभी गंभीर नहीं रही है। एसआरपी कल्लूरी के इश्यू को लेकर के कल कांग्रेस लगातार इनका विरोध करती रही है और जब भाजपा शासन में नहीं रही है तब भाजपा जो है वो कल्लूरी का विरोध करती रही है। ठीक है, ये आमतौर पर कई बार ये देखने को आया है, इस इशू पर जो है बहुत स्पष्ट नहीं रही है। ठीक है मनीष जी, मैं चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार जो है उस इलाके में आप पत्रकारिता करते रहे हैं, काफी चीजों को आपने काफी करीब से देखा भी है, लिहाजा मैं ये आपसे पूछूं कि कल्लूरी के रहने के समय और अब चूंकि कल्लूरी वहां से चले गए हैं, अब चूंकि अब वापसी होती है नहीं होती है ये बात की बात है, दो उनके जो करीबी थे उनको भी वहां से हटाया गया है, तो ये पोस्ट कल्लूरी जो स्थितियां बस्तर में बनेंगी, नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन लगातार चल रहा है, आप उन स्थितियों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, नक्सलवाद को लेकर के मैं बहुत स्पष्ट बोलना चाहता हूं, मैंने जो अभी 20 साल के पत्रकारिता में मैंने जो अनुभव किया, नक्सलवाद को लेकर के बहुत कुछ हिडन रहा है। कल्लूरी के कार्यकाल में बहुत कुछ खबरें सेंसर की गई, कल्लूरी जी के जाने के बाद जो खबरें आई हैं उन खबरों को कल्लूरी समर्थक जो विभिन्न मोर्चों पर लोग रहे हैं वो लगातार बढ़ा चढ़ा करके कह रहे हैं। तो इस मामले को लेकर के, नक्सलवाद के मामले को लेकर के ये पुलिस के स्तर पर और राजनीतिक रूप से लगातार राजनीति होती रही है। रही बात कल्लूरी जी के जाने के बाद की नक्सलवाद की स्थिति क्या होगी, देखिए ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि नक्सल मोर्चे पर फोर्स लड़ती है, अधिकारी नहीं लड़ते। आमतौर पर अब कल्लूरी जी के बाद जो डीआईजी श्री सुंदर राज जी को जो प्रभार दिया गया है
वो भी नक्सल क्षेत्र में रह चुके हैं, बस्तर में भी वो एसपी रहे हैं, नांदगांव में भी रहे हैं, उनका नक्सल मोर्चे पर अपना एक अनुभव भी है, और जो कोऑर्डिनेशन जो यहाँ पर विभिन्न लगभग 50,000 की पैरामिलिट्री की फोर्स जो है तैनात है, इनके बीच में अगर अधिकारी कोऑर्डिनेशन करके ऑपरेशन की स्ट्रेटेजी को जो है वो लगातार आगे बढ़ाएंगे तो नक्सलवाद धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ेगा। इसलिए ये किसी अधिकारी का रहना या नहीं रहना नियत का सवाल सबसे बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, नियत का सवाल सबसे बड़ा, यह काफी महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही। शेष नारायण जी, यहाँ पर चुकी एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस तरह से पूरी घटनाक्रम हो रहा है, क्या छत्तीसगढ़ पुलिस में ये जो पूरे घटनाक्रमों को देखने के बाद ये सवाल निकल के आ रहा है कि क्या छत्तीसगढ़ पुलिस में इंटरनल राजनीति बहुत ज्यादा हावी हो चुकी है और सीधे तौर पर सरकार के सामने कल्लूरी ने मोर्चा खोल रखा है, क्या ये माना जाए? नहीं, ऐसा नहीं। सरकार अपने पूरे नियंत्रण में सारे, अभी जो हमारे गुप्ता जी बता रहे थे कि सरकार की नीयत पे प्रश्न चिन्ह है, वास्तव में सरकार की नीयत भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है और पिछले 2.5 वर्षों में जो नक्सल मोर्चे पे जिस तरह से सफलताएं मिली है, अपार सफलताएं मिली है केंद्र सरकार के विशेष मॉनिटरिंग पे, और अभी 2 दिन पहले ही एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उड़ीसा एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाने की बात हुई है। इसलिए ये बात कहना कि भाजपा सरकार जो है ये इसके नियत में नक्सली मामले को लेकर किसी प्रकार से कोई स्पष्ट नहीं है, मैं तो कहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो नक्सल मोर्चे पे पूरी दमदारी के साथ लड़ रही है। सिंह साहब, आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है? लगातार बीजेपी कह रही थी कि कोई अधिकारी आया है और पूरी तरह से ईमानदारी के साथ अगर नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहा है, अभियान चला रहा है, तो कांग्रेस को तकलीफें इस विषय पे क्या होती है? जैसे कि यहाँ पर मनीष गुप्ता जी ने कहा कि दोनों ही पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, गंभीरता जो नियत दिखनी चाहिए नक्सलवाद के खिलाफ वो दिखती नहीं है। देखिए हितेश जी, आपको और मनीष गुप्ता जी को दोनों को बता दूं मैं, 2003 में हमारी सरकार यहां से रुखसत हुई तब नक्सलवाद मात्र 3 जिलों तक सीमित था। बीजेपी की सरकार आई, 14 साल की मेहरबानी से नक्सलवाद बढ़ के 19 जिलों तक फैल चुका, ये हम नहीं कहते हैं, सरकार कहती है। और सबसे बड़ी बात, एक बात जो उन्होंने कही मनीष गुप्ता जी ने बहुत अच्छी कही कि सरकार का रवैया नक्सलवाद के प्रति बड़ा स्पष्ट नहीं है। हम भी यही कह रहे हैं कि 14 वर्षों में आखिर नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की नीति क्या है? कभी सरकार कहती है आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, कभी सरकार कहती है आमने सामने बैठ के बात करेंगे, तो कभी कुछ बीच के बिचौलिए आ जाते हैं। अभी पिछले दिनों एक बाबा आ गए थे, बीजापुर चले गए थे कि हम बात करेंगे, तो सरकार की नीति बड़ी स्पष्ट नहीं है। हमारा मानना बड़ा स्पष्ट है कि ये समस्या राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक है। जब तक इन 4 स्तरों पर बैठकर लोग बात नहीं करेंगे, मनीष जी कुछ कह रहे हैं, नहीं होगा। जी ठीक है, मनीष जी कुछ कह रहे हैं, संक्षेप में रखिएगा बात समय की कमी। मनीष जी देखिए, नक्सलवाद की समस्या 14 वर्ष की समस्या नहीं है, नक्सलवाद की समस्या पिछले 3 दशकों से है। तीन जिले से बढ़कर 19 जिलों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल में गया है, हमारे कार्यकाल में 3 जिले तक सीमित था, ये जानकारी आपको भी होनी चाहिए, होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, नहीं नहीं, लगातार नक्सलवाद विस्तार पाया है, समय के साथ साथ नक्सलवाद लगातार विस्तार पाया है, नक्सलवाद जनता पार्टी की सरकार में ज्यादा विस्तार पाया। कांग्रेस सरकार की नीति स्पष्ट थी और न भारतीय जनता पार्टी की बहुत क्लियर कट स्पष्ट नीति है, ये मैं बहुत दावे के साथ कहूंगा कि इस मामले को लेकर के दोनों सरकार, दोनों राजनीतिक दल कटघरे में है। ठीक है, वो सिर्फ अधिकारियों के बूते पे बस्तर को छोड़ दिया गया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, शेष नारायण जी और आरपी सिंह साहब, इस महत्वपूर्ण विषय पर आप शामिल हुए और चर्चा की। कुल मिलाकर जिस तरह से तबादला हुआ है, इस तबादले के पीछे जाहिर तौर पर एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई, लेकिन इस मैसेज के बाद में एसआरपी कल्लूरी की तरफ से जो व्हाट्सएप में एक मैसेज आया और एक फोटो उन्होंने पोस्ट किया, वो भी कई तरह की कहानी अपने आप में कह रहा है। देखना है कि आगे अब ये और कहां तक जाने को और कितना आगे तक ले जाता है इस पूरे मसले को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।